बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का हम क्वेश्चन 25 करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग, मतलब क्या होता है लर्निंग का. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, और इम्पोर्टेंस क्या होते हैं लर्निंग के. मीनिंग ऑफ लर्निंग, मैन इज अ रैशनल एनिमल. जो मैन होता है, आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, वो क्या होते हैं रैशनल एनिमल होते हैं. ही हैज गॉट द पावर ऑफ रीजनिंग, क्योंकि जो इंसान होते हैं उनके पास ही पावर होती है कि वो कुछ रीजनिंग, कुछ क्वेश्चंस वगैरह आस्क कर सके, फिर उसके आंसर खुद से ढूंढ सके, मतलब वो अपनी लाइफ को खुद से जी सके. दिस पावर ऑफ रीजनिंग इनेबल्स हिम टू लर्न थिंग्स क्विकली. और ये जो पावर होती है रीजनिंग की, वो इसलिए होती है क्योंकि जो इंसान होते हैं कुछ भी जो भी लर्निंग का वर्क दिया जाता है, वो बहुत ही जल्दी लर्निंग कर लेते हैं, मतलब चीजों को बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं और उसके काबिल, मतलब उसे अपने उपयोगी बना सकते हैं. लर्निंग प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. जो लर्निंग होती है बहुत ही अच्छा रोल निभाती है, प्लस में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी इंसान के बिहेवियर को जानने के लिए, उसे डिटरमाइन करने के लिए. लर्निंग इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू चेंज, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट. जो लर्निंग होती है, लर्निंग के थ्रू ही क्या होता है कोई भी इंसान अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं, उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और जहां उसे लगता है कि हमें एडजस्ट करके काम कर सकते हैं तो वह एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग के थ्रू ये सारी नई नई चीजें वो सीखता है और अपने आप को उस हिसाब से ढालता है. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच लीव्स परमानेंट इफेक्ट्स और इम्प्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल. क्योंकि ये क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन का काम करता है, कॉम्प्रेसिव होता है, जिससे कि क्या होता है जो इंसान होता है उसमें परमानेंट उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर कुछ चीज होती है, जो कि वो पुराने चीजों को छोड़कर नई चीज को लेता है, नई चीज को अपने बिहेवियर में लेके आता है. तो वो सब चीजें हमारी लर्निंग के थ्रू ही होती है. प्लस में क्या होता है जो भी इंडिविजुअल का जो इम्प्रेशन वगैरह होता है वो भी उसके लर्निंग के ऊपर नहीं डिपेंड करता है. डेफिनेशंस, अब हम डेफिनेशन देखेंगे लर्निंग की गेट्स से. जो गेट्स थे उन्होंने क्या बोला था, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग. लर्निंग होती है वो हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, मतलब हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाना होता है तो लर्निंग के थ्रू ही आ पाते, क्योंकि हम लर्निंग के थ्रू तरह तरह के एक्सपीरियंस सीखते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं. ट्रेवर्स व्यू, ट्रेवर्स ने क्या कहता है, लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. इन्होंने भी ये कहा था कि लर्निंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसके रिजल्ट में क्या मिलता है कि जो हमारा बिहेवियर होता है उसे हम किस तरह से, किस हिसाब से अपने आपका बिहेवियर मॉडिफाई करना चाहते हैं हम, या फिर किस हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं, ये सारी चीजें हमें लर्निंग के थ्रू ही पता चलती है. क्योंकि जैसे जैसे हम लर्निंग करते हैं वैसे वैसे उस चीजों को हम अपने बिहेवियर में लाते हैं और हम अपना जो बिहेवियर होता है वो चेंज कर पाते हैं. वुडवर्ड्स व्यू, वुडवर्ड्स ने क्या बोला था, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज. जो वुडवर्ड था उन्होंने बताया था, उनका नजरिए में ये था कि जो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक्वायर करती है कि नई नई नॉलेज, न्यू नॉलेज को और न्यू रिस्पॉन्सेज को. अगर हम न्यू नॉलेज को गेन करेंगे तो उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो भी न्यू आएगा और उससे क्या हम नई नई चीजें भी सीखेंगे. अब देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, इम्पोर्टेंस क्या होते हैं लर्निंग के, मतलब लर्निंग हमारे लिए क्यों उपयोगी होता है. लर्निंग इज नेवर एंडिंग ग्रोथ, जो लर्निंग होती है कभी भी ना खत्म होने वाला हमारा ग्रोथ होता है. वी ऑलवेज इंस्पायर टू लर्न मोर एंड मोर. इसमें क्या होता है कि हम टाइम टू टाइम या फिर जैसे जैसे हम इंस्पायर होते जाते हैं तो हम लर्निंग करते जाते हैं, प्लस में हम नई नई चीजें भी सीखते जाते हैं. वंस अचीवमेंट लीड्स टू अ फर्दर इंसिडेंट इंसेंटिव एंड इफेक्टिव. इसमें क्या होता है हमें किसी चीज में एक उपलब्धि मिलती है तो हम सोचते हैं कि हम इस काम को और अच्छे से करेंगे तो उससे हमें और अच्छा फायदा होगा, प्लस में उसका हमारा इफेक्ट भी अच्छा आएगा, तो उसे करने के लिए हम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कड़ी मेहनत करते हैं. सेकेंड पॉइंट है प्रोग्रेसिव चेंज चेंज इन बिहेवियर. इसमें क्या होता है जो लर्निंग होता है वो हमारे बिहेवियर के अंदर भी बहुत अच्छा चेंजेस लेके आता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है. लर्निंग ब्रिंग्स प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर एज द इंडिविजुअल रिएक्ट टू द सिचुएशन. लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज इम्प्रूवमेंट. इसमें क्या होता है लर्निंग के थ्रू क्या होता है जो हमारा बिहेवियर आता है उसमें भी हमारे चेंजेस आते हैं. किसी भी इंडिविजुअल में अगर लगता है कि ऐसे लर्निंग की जरूरत है और लर्निंग के थ्रू अगर वो अपना बिहेवियर को चेंज करता है, अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है, अपने आप को किसी भी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है, उसे उस हिसाब से रिस्पॉन्स देता है और अपने अंदर बदलाव लेके आता है, तो उसमें क्या होता है जो लर्निंग होती है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद
होती है। थर्ड पॉइंट है लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट। नाम से पता चल रहा है कि लर्निंग के थ्रू क्या होता है, मोटिवेट होते हैं, प्लस में मोटिवेट होने के साथ साथ क्या होता है, हम नई जगह में नए स्पेस में एडजस्ट होने की भी क्षमता रखते हैं। द इंडिविजुअल हैज टू एडजस्ट टू न्यू इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, जब इंडिविजुअल को लर्निंग होती है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है या फिर कहीं नई जगह नई इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसे वहां के तौर तरीके सीखने होते हैं, प्लस में उसे वहां एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या लर्निंग के थ्रू हो पाती है पॉसिबल। फोर्थ पॉइंट है लर्निंग इज यूनिवर्सल इन नेचर। जो लर्निंग होती है यूनिवर्सली होती है, कि हर एक जगह पर हम कहीं भी जाएंगे तो हम लर्निंग के थ्रू ही कुछ सीखेंगे तो उसे अपने लाइफ में अंदर लाते हैं। तो ये कहते हैं जो लर्निंग होती है वो हमारी नेचुरली होती है। और एनिमल्स लर्न, जो एनिमल्स होते हैं वो भी लर्न करते हैं, वो भी चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए लर्निंग करते हैं। मैन इज अ रैशनल एनिमल एंड ही लर्न्स मोर। जो मैन होता है, इंसान होता है, वो भी रैशनल एनिमल ही होता है, परंतु वो क्या होता है, जानवरों से ज्यादा वो लर्न करने की उसकी क्षमता होती है, काबिलियत होती है। फिफ्थ पॉइंट लर्निंग इज कंटिन्यूअस। जो लर्निंग होती है हमारी लगातार होती रहती है, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस होती है। लर्निंग इज कंटिन्यूअस एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू चाइल्डहुड पीरियड, बट इट गोज विद लाइफ। जो लर्निंग होती है हमारे कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, कभी खत्म नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि एक हमारा चाइल्डहुड का पीरियड होता है, मतलब चाइल्डहुड की जो अवस्था होती है उसे उसी टाइम तक ही होता है, ऐसा नहीं होता। जो लर्निंग होती है हमारी निरंतर चलती रहती है, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये हमारे साथ चलती है। सिक्स्थ पॉइंट है लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड और परपोसिव। जो लर्निंग होता है उससे क्या होता है, जो हमारा गोल होता है, उद्देश्य होता है, उस तक वो पहुंचाने की मदद करती है। वेन द पर्पस और गोल इज मोर क्लियर विविड एंड एक्सप्लेटेड, द लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव टू द लर्नर्स। इसमें क्या कह रहे हैं, जब हमारा पर्पस या फिर उद्देश्य हमारा क्लियर होगा कि हमें आगे जाके क्या बढ़ना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना, हम बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, अगर उसका हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होगा तो उसमें जो लर्निंग होगी उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी होगी, बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल होगी और इफेक्टिव होगी हमारी लर्निंग के लिए। सेवन्थ पॉइंट है लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। जो लर्निंग होगी हमारी एक्टिव होती है, हम एक्टिव होने का एहसास दिलाते हैं, प्लस क्रिएटिव कुछ नया नया करने के सीखते हैं। दैट मीन्स लर्निंग लार्जली डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द लर्नर्स। लर्निंग क्या होती है, हमारी डिपेंड होता है कि जो भी हम एक्टिविटीज, जो लर्नर एक्टिविटीज करते हैं उसके ऊपर ये लर्निंग जो होती है हमारी डिपेंड होती है। इट इज सेड दैट नो लर्निंग कैन टेक प्लेस वेयर देयर इज नो सेल्फ एक्टिविटी। इसमें क्या कहा गया है कि ये जो हमारी लर्निंग होती है, जरूरी नहीं होती कि ये एक ही जगह पे हो या फिर एक ही जगह पे की जाए। जो हमारी लर्निंग होती है वो हमारी टेक प्लेस होती है, एक जगह से दूसरी जगह भी हो पाती है। और इसमें ये नहीं होता कि हम खुद से ही क्या होता है, कोई सेल्फ एक्टिविटी होती है। इसमें क्या होता है, हम लर्निंग खुद से ही सीखी जाती है, ना कि इसे हम रट्टा मार के या फिर इसे रट के सीखते हैं। लर्निंग इज देयरफॉर सेट टू बी द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। इसलिए कहा गया है जो लर्निंग होती है हमारी इस वजह से होती है, जिसमें हम क्या होते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी एक्सपीरियंस करके लर्निंग को सीखते हैं, कुछ क्रिएटिव या एक्टिविटी करके इसे अपने लाइफ में लेके आते हैं, जिससे कि हमें इसे रटना नहीं होता, इसे हमें एक जैसे हमारे लाइफ का पार्ट होता है उस तरीके से इसे हम करते हैं। इट इज क्रिएटिव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल नॉलेज। जो लर्निंग होती है हमारी क्या होती है, क्रिएटिव एक्सपीरियंस होती है, जो कि हम क्रिएटिव तरीके से करके सीखते हैं, जिससे कि जो हमारी नॉलेज होती है वो बढ़ती है और इसमें ये सहायक होती है। एट्थ पॉइंट देखेंगे लर्निंग इज एब्यूज्ड बाय इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। इसमें क्या कह गया है, जो लर्निंग होती है हमारे जो इंडिविजुअल होते हैं और समाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं तभी हम तरह तरह की चीजें सीखते हैं और इसमें जो लर्निंग होती है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। लर्निंग डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स हिज नीड्स प्रॉब्लम इंटरेस्ट एटीट्यूड्स एम्बिशंस एस्पिरेशन एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जो लर्निंग होती है डिपेंड होती है इंडिविजुअल के ऊपर कि उसे किस चीज की जरूरत होती है, क्या उसकी नीड्स होती है, क्या उसे प्रॉब्लम्स होती है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट होता है, क्या उसके एटीट्यूड्स, क्या उसका एम्बिशन होता है, क्या उसके एस्पिरेशन होते हैं, किस तरीके से उसे सोसाइटी में जरूरत होती है, उसे किस तरीके से अपने आप को ढालना है, उसका बिहेवियर क्या है, इसमें इन सब में क्या होता है, जो लर्निंग होती है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। इन केस ऑफ सम इंडिविजुअल लर्निंग मे बी क्विक एंड फास्ट एंड इन अदर इट मे बी स्लो।
इसमें क्या होता है, इस केस में देखा जाता है जो इंडिविजुअल होते हैं, इंसान होते हैं, उसमें जो लर्निंग होती है बहुत ही जल्दी हो पाती है, क्विक एंड फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, या फिर हम किसी और चीज लोगों को अगर हम लर्निंग करवाते हैं उसके मुकाबले में जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो लर्निंग बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। प्लस वे जो भी उनके रीजनिंग्स वगैरह होते हैं वो खुद से सॉल्व कर पाते हैं और अपने लिए खुद से रास्ता बना पाते हैं। इट शुड बी रिमार्क हेयर दैट लर्निंग इज अफेक्टेड बाय सोशल एनवायरमेंट। इसलिए कहा भी क्या गया है, जो लर्निंग होती है अफेक्ट करती है हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी के, हमारे आसपास के वातावरण को, क्योंकि लर्निंग के थ्रू ही हम एक दूसरे से मिलते घुलते मिलते हैं और बातचीत करते हैं। नो लर्निंग टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंट। इसलिए कहा गया है कि जब तक हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, क्रिएटिव इन्वायरमेंट नहीं हो, तो हम जो लर्निंग होगी वो भी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि लर्निंग सीखने के लिए एक अच्छा अनुकूल वातावरण होना भी जरूरी होता है। 9th पॉइंट है, लर्निंग इज रिस्पॉन्स ऑफ द होल इंडिविजुअल टू द टोटल सिचुएशन। इसमें कहा गया है जो लर्निंग होती है हमारी रिस्पॉन्स करती है इंडिविजुअल की पूरी लाइफ के ऊपर, और जो भी उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है या फिर जो भी सिचुएशंस होती है, तो उसमें जो लर्निंग होती है बहुत ही ज्यादा सहायक होती है। डेट मीन्स इंडिविजुअल रिएक्ट्स टू द टोटल लर्निंग सिचुएशन एज अ होल लाइफ। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है रिएक्ट करता है जो भी चीजें सीखता है अपनी पूरी लाइफ में, तो जो भी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आती है तो उससे वो खुद से सामना करने की कोशिश करता है और अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करता है। आगे देखेंगे, लर्निंग इज पॉसिबल ऑन कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड कनेक्ट एक्टिव साइड। इसमें क्या कह रहे हैं, जो लर्निंग होती है पॉसिबल होती है कि हम हमारे कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाते हैं, हमें अफेक्ट करती है, प्लस हमारे कॉग्निटिव साइड्स को भी बढ़ावा देती है। एक्वेशन ऑफ नॉलेज इज कॉग्निटिव मॉडिफिकेशन ऑफ इमोशन इज अफेक्टेड अफेक्टिव एंड एक्वेशन ऑफ स्किल्स एंड हैबिट इज कॉनेक्टिव। इसमें क्या होता है, लर्निंग के थ्रू जो हमारी नॉलेज होती है वो बढ़ती है, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, जो हमारे जो ब्रेन से रिलेटेड चीज होती है जिसमें हमारी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ती है वो भी हमारे लर्निंग के थ्रू ही होती है जो भी, और ये हमारे जो इमोशंस होते हैं इसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा लर्निंग इफेक्ट डालती है, और इससे जो हमारी स्किल्स होती है हैबिट्स होती है वो भी अच्छी होती है और लर्निंग इसमें काफी ज्यादा सहायक होती है। 11th पॉइंट देखेंगे, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब कि जो लर्निंग होती है वो हमारी ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर टेक प्लेस इन लर्निंग बट अमाउंट ऑफ ट्रांसफर मे वेरी। इसमें क्या होता है, जो हमारी लर्निंग होती है वो ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे जो नॉलेज स्किल्स होती है एक दूसरे से बात करने पे क्या होता है, हमारी बात करने पे जो हमारा एक दूसरे से जो आदान प्रदान होता है, मतलब एक दूसरे से बात जो करते हैं, थॉट्स होते हैं, हमारे विचार होते हैं एक दूसरे में जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हम उनसे कुछ नई चीजें सीखते हैं और वो हमसे कुछ नई चीजें सीखते हैं। तो इससे क्या होता है, जो लर्निंग होती है हमारी ट्रांसफरेबल होती है। ट्रांसफर अकर्स व्हेन देयर इज सिमिलरिटीज ऑफ कंटेंट्स, आइडियाज, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड एटीट्यूड्स। इसमें क्या होता है, जब हम ट्रांसफर करते हैं अपनी नॉलेज स्किल्स को, लर्निंग को एक दूसरे से, तो उसमें सिमिलरिटीज भी देखने को मिलती है, जैसे हमारे कनेक्ट्स हो गए, एक दूसरे से आइडल्स हो गए, ये सारी चीजें क्या होते हैं, टेक्निक्स हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, एक दूसरे से सिमिलर्स भी हो सकते हैं। ट्रांसफर लीड्स टू इकोनॉमिक इन लर्निंग एस। इसमें क्या होता है, जैसे हम कुछ एक भौतिक तरीके से या फिर हम कुछ भी चीजें ट्रांसफर करते हैं, उसी तरीके से जो लर्निंग होती है वो भी हमारी ट्रांसफरेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह हमारी जो लर्निंग होती है वो ट्रांसफर होती है। इट टेक प्लेस फ्रॉम वन फील्ड ऑफ स्टडी टू अनदर एंड फ्रॉम क्लासरूम सिचुएशन टू लाइफ सिचुएशन। इसमें क्या क्या है, जो हमारी लर्निंग होती है वो हमारी एक तरीके का क्या करती है, काम आती है, जिसमें हमारी जो नॉलेज स्किल्स वगैरह होती है वो फील्ड में ट्रांसफर होती है एक स्टडी स्किल्स से दूसरी स्टडी स्किल्स में। जैसे कि हम हमारे जो क्लासरूम में जो सिचुएशन आती है वो सिचुएशन से लेके जो हमारी लाइफ लॉन्ग सिचुएशन आती है, मतलब जो क्लासरूम में सिचुएशन को हम अपने सॉल्व करते हैं, तो हमारी लाइफ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे लाइफ में जैसे हम कुछ अच्छा भी करते हैं तो भी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसे भी हम सॉल्व करते जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसी तरीके से जब तक हमारी लाइफ रहती है तो हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, प्लस में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसे भी शॉर्ट आउट करते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो लर्निंग होती है उसमें हमारी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है लर्निंग के, वो हमारी पूरी लाइफ में देखे जाते हैं। आई होप आपको आज की जो मीनिंग ऑफ लर्निंग और इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग समझ आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।